दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और साथ ही मक्का की खरीदी को लेकर के किसानों को 31 अक्टूबर तक पंजीयन की आखिरी तारीखों को लेकर के अपडेट दिया जा रहा है। दरअसल बात करें तो खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 1 जुलाई से चल रहा है। इसके अंतर्गत पंजीयन के लिए सभी किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सहकारी समिति के प्रबंधक से संपर्क करके नया पंजीयन करा सकते हैं। खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में नया पंजीयन फसल रकबा संशोधन और कैरी फॉरवर्ड हेतु 1 जुलाई 2024 से किसानों का पंजीयन प्रारंभ किया गया है। सभी किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी समिति प्रबंधक से संपर्क करके नया पंजीयन फसल रकबा संशोधन और कैरी फॉरवर्ड शीघ्र ही पूर्ण करा सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो किसान पोर्टल भी इसके लिए विकसित किया गया है ताकि ऑनलाइन तरीके से भी किसानों को सुविधाएं दी जा सके। छत्तीसगढ़ में अब सूरजपुर में एक भारी बवाल देखने को मिल रहा है, जहां सिपाही की पत्नी और बेटी को तलवार से काटने को लेकर आगजनी और एसडीएम की पिटाई तक का माहौल यहां पर निर्मित हो गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक तालिब की 32 वर्षीय पत्नी और 11 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद भीड़ उग्र हो गई। भीड़ के आक्रामक होने पर वहां पहुंचे एसडीएम जगन्नाथ वर्मा ने दौड़ करके अपनी जान बचाई। डबल मर्डर की वारदात से अब क्षेत्र में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई है। आक्रोशित भीड़ ने थाने के सामने धरना दिया और जमकर नारेबाजी की है। गुस्साई भीड़ ने हत्या के आरोपी कुलदीप साहू के घर को भी फूंक दिया है। घटना के विरोध में लोगों ने इलाके की सारी दुकानों को बंद करा दिया है। फिलहाल सूरजपुर शहर और आसपास की एरिया में छावनी में इसको तब्दील कर दिया गया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर भीड़ को काबू करने में जुटे हुए हैं। साथ ही पुलिस लगातार लोगों को समझाइश दे रही है। बेटी और के हत्या का आरोपी कुलदीप साहू आदतन बदमाश है और आरोपी कुलदीप साहू एनएसयूआई का पूर्व महासचिव भी रह चुका है। घटना की सूचना पर एसडीएम जगन्नाथ वर्मा मौके पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की पर गुस्साई भीड़ ने एसडीएम पर ही हमला कर दिया। एसडीएम को भी पीटा गया। किसी भी तरीके से एसडीएम अपनी जान बचा करके वहां भागे। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी के 3 नाम तय होते नजर आ रहे हैं, जिसमें इंटरनल सर्वे में 6 नाम सामने आ चुके हैं। अंतिम मुहर इसमें दिल्ली में लगाई जाएगी, जिस पर साहब ने कहा कि जो प्रत्याशी बनेगा वो जीतेगा। दरअसल रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने 3 नाम फाइनल कर लिए हैं। नामों को लेकर के इंटरनल सर्वे के बाद इसको तय कर दिया गया है। इन नामों को दिल्ली भेजा जाएगा, जिसके बाद प्रत्याशियों पर इसकी मुहर लगेगी। बताया जा रहा है कि सर्वे में 6 नाम सामने आए थे। प्रत्याशी चयन को लेकर भाजपा ने बीती देर रात कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक आयोजित करी थी और इस बैठक में दक्षिण विधानसभा से 8 बार विधायक रहे और अब सांसद रह चुके ब्रजमोहन अग्रवाल भी शामिल थे। इंटरनल सर्वे में अपने नामों को लेकर के अब सांसद बन चुके ब्रजमोहन अग्रवाल भी इसमें जो है नामों के सर्वे में शामिल रहे। इसके अलावा इंटरनल सर्वे में आए नामों पर चर्चा कर प्रदेश के नेताओं ने 3 नाम फाइनल कर दिए हैं, जिनमें सुनील सोनी, सुभाष तिवारी और संजय श्रीवास्तव, केदार गुप्ता, मीनल चौबे, नंदन जैन, ये तमाम नाम जो है यहाँ पर बीजेपी के इंटरनल सर्वे में फाइनल किए गए थे। लेकिन अब इन 6 नामों में से 3 नामों को फाइनल करके अब बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी ने दिल्ली भेज दिया है, जहाँ दिल्ली से फाइनल सर्वे के बाद फाइनल सूत्रों के हवाले से अगर हम बात करें तो सीनियर नेताओं में सुनील सोनी, संजय श्रीवास्तव, केदार गुप्ता और नए नेताओं में मीनल चौबे, नंदन जैन, सुभाष तिवारी जैसे नामों पर विचार किया जा रहा है और इन्हीं में से 3 नामों को तय किया गया है, जिनमें से एक को प्रत्याशी भाजपा बनाने वाली है। छत्तीसगढ़ से आगामी 2 दिवस के अंतर्गत मॉनसून पूरी तरीके से चला जाएगा। रायपुर सहित कई इलाकों से मॉनसून की वापसी अब कम्प्लीटली हो चुकी है, जहां शुष्क हवाओं के आने से अब रातें ठंडी होती नजर आएंगी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून उत्तरी छत्तीसगढ़ के बाद रायपुर समेत दुर्ग, राजनांदगांव और महासमुंद से भी वापस लौट चुका है। प्रदेश के इन तमाम हिस्सों में अब नमीयुक्त हवाओं का प्रभाव खत्म होने लगा है और शुष्क हवाओं के आने से रात के तापमान में धीरे धीरे अब गिरावट होनी शुरू होगी। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक
आने वाले 2 से 3 दिनों में प्रदेश के बाकी हिस्सों से भी मानसून पूरी तरीके से लौट सकता है। इसके वातावरण अनुकूल हो चुके हैं। इसके अलावा पिछले 2 दिनों से मानसून की वापसी रेखा उत्तरी छत्तीसगढ़ के कोरिया, बलरामपुर, पेंड्रा रोड और अंबिकापुर तक थी। रविवार को उत्तरी पूर्वी हवाओं ने आगे बढ़ते हुए मध्य छत्तीसगढ़ के बड़े हिस्से को कवर किया था। इसके अलावा सुकमा में रविवार को सबसे ज्यादा पानी बरसा, जहां बूंदाबांदी और 1-2 स्थानों पर हल्की से लेकर के मध्यम वर्षा दर्ज करी गई, जहां सुकमा में 30 मिलीमीटर तक पानी गिर गया। इसके अलावा बिलासपुर में अगले सप्ताह से गुलाबी ठंड यहां पर पड़ सकती है। तेज धूप ने हालांकि अभी लोगों को परेशान किया हुआ है। वहीं शहरों के तापमान की बात करें तो शहरों में तापमान अभी भी औसतन से अधिक बना हुआ है। बालोद में दंतैल हाथी का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। खड़ी फसलों को लगातार हाथियों के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जबकि 6 लोग अपनी जान इस हाथी के हमले में गंवा चुके हैं। वन विभाग लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक बार फिर से हाथियों की दस्तक देखने को मिली है, जहां गुरुवार को दल्ली राजहरा और गुरूर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत हाथियों ने तांडव मचाना शुरू किया, जो कि अभी तक जारी है। खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जहां वन विभाग की टीम हाथियों की निगरानी और लोगों की सुरक्षा में डटी हुई है। बीती रात की अगर हम बात करें सोमवार की रात की, तो टहलने का वीडियो इन हाथियों का भी सामने आ रहा है, जहां वन विभाग की टीम गांव में मुनादी करा रही है कि कोई भी व्यक्ति अकेले घर से बाहर या फिर जंगलों की ओर ना जाए। हाथियों के हमले में 6 ग्रामीणों की मौत अब तक हो चुकी है। इसके अलावा लगातार धान की कटाई का समय है, यहां पर फसल पककर तैयार है और खड़ी फसलों को हाथी लगातार चौपट करते दिखाई दे रहे हैं। 16 अक्टूबर को साय सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित है, जिसमें धान खरीदी की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, जबकि राज्योत्सव को लेकर के अफसरों से भी जानकारी मुख्यमंत्री लेने वाले हैं। साय सरकार की कैबिनेट बैठक 16 अक्टूबर को होने जा रही है और इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। सभी मंत्री बुधवार की सुबह मंत्रालय पहुंचेंगे और इस बैठक में धान और मक्का की खरीदी, राज्योत्सव के आयोजन संबंधित तमाम मांगों को लेकर चर्चा होगी। विभागीय सूत्रों के मुताबिक बैठक के बाद सरकार धान खरीदी की तारीख का ऐलान कर सकती है। कुछ दिन पहले ही 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने का प्रस्ताव कैबिनेट की उपसमिति ने भेजा था, जहां खाद्य मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में की गई इस बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा की गई थी। इस साल 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमान रखा गया है। बैठक धान खरीदी के 15 नवंबर से शुरू किए जाने पर बातचीत हुई है। मंत्रियों ने कहा कि राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इसका अंतिम निर्णय दिया जाएगा और इसका स्पष्ट फैसला आने वाले 16 नवंबर को होने जा रहा है। 15 अक्टूबर यानी आज राजनांदगांव कुमार विश्वास के दौरे पर हैं, जहां डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिवस पर कवि सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें सुरेंद्र दुबे, कविता तिवारी और दिनेश बावरा भी अपनी परफॉर्मेंस देते नजर आएंगे। राजनांदगांव में दशहरा पर्व के बाद एक बार फिर बड़ा आयोजन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिन पर आज कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें युवा वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किए गए कवि सम्मेलन में देशभर से प्रख्यात कवि शामिल होंगे, जिसमें डॉक्टर कुमार विश्वास, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जैसे कवि शामिल हैं। युवा वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष भावेश बैद ने बताया कि इस बार भी कवि सम्मेलन को भव्य रूप देने की बृहद तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में समर्थक यहां पहुंचते हैं। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों से समर्थक जन्मदिन की बधाइयां देने के लिए राजनांदगांव डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिवस के कार्यक्रम पर पहुंचते हैं। एमसीबी में अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की जान चली गई, जहां ट्रैक्टर से स्कूटी सवार युवक टकरा गए, जिनमें 3 युवकों की जान चली गई, जबकि कार पलटने से एक ड्राइवर की जान गई है। तो छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ चिमरी भरतपुर में मनेंद्रगढ़ कोतवाली क्षेत्र में बीती शाम को हुए 2 हादसे में 4 युवकों की जान चली गई, जिसमें मनेंद्रगढ़ से घर लौट रहे एक स्कूटी में सवार 3 युवक सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर की ट्रॉली से जा टकराए और हादसे में 3 युवकों ने अपना दम तोड़ दिया। एक अन्य घटना में अर्टिगा कार के पलटने से चालक जान चली गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पड़ोसी से स्कूटी मांग करके ये घूमने निकले हुए थे। जांच में ये पता चला है कि मृतक राहुल घर के पड़ोस में ही रहने वाली महिला शकुंतला का स्कूटी मांग कर ले गया था, जहां कुछ ही देर बाद परिजनों को हादसे की सूचना मिली। तो वहीं एक अन्य घटना में बीती शाम को ही अर्टिगा कार, जो कि मनेंद्रगढ़ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम घुटवा विद्युत सब स्टेशन के मेन रोड पर जाकर पलट गई।
छत्तीसगढ़ पीएससी के भर्ती धांधली मामले में 18 अभ्यर्थियों के घर पर सीबीआई की रेड हुई है, जिसमें 5 साल के कॉल डिटेल्स, लैपटॉप, मोबाइल और बैंक खातों की जांच समेत कई नामी लोगों के घर की तलाशी शामिल है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के घोटाले के मामले में सीबीआई ने अब छापेमार कार्यवाही करनी शुरू कर दी है। 2021 में जिन 18 अभ्यर्थियों के चयन में धांधली का शक है, उन सभी के घर पर छापा मारकर जाँच की गई। कुछ अभ्यर्थियों के घरों पर 2 दिनों तक तलाशी चली है। बताया जा रहा है कि 12 अक्टूबर को छापेमार कार्यवाही शुरू की गई थी। अभ्यर्थियों के घर पर मिले 300 से ज्यादा किताबों और नोटबुक को पढ़ा गया। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप की जांच की गई। कुछ अभ्यर्थियों के घरों से हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव की जब्ती की गई। साथ ही अभ्यर्थियों और परिजनों के बैंक खातों की जांच की जा रही है। पीएससी सचिव जीवन किशोर के बेटे सुमित ध्रुव, पिछली सरकार में राज्यपाल के सचिव रहे अमृत खलखो की बेटी नेहा और बेटा निखिल, डीआईजी ध्रुव की बेटी साक्षी, कांग्रेस नेता की बेटी अनन्या अग्रवाल, कांग्रेस नेता के दामाद शशांक गोयल, मंत्री के ओएसडी साहू की बेटी खुशबू बिजौरा से भी पूछताछ की गई है। भारतीय युवा कांग्रेस ने नौकरी दो नशा नहीं हल्ला बोल प्रदर्शन का पोस्टर लॉन्च किया, जहां छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने प्रेसवार्ता के दौरान इस पोस्टर को लॉन्च किया और उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ युवाओं को नौकरी के नाम पर ठगने और नशे की ओर धकेलने के विरोध में भारतीय युवा कांग्रेस हल्ला बोल प्रदर्शन करने जा रही है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा ने बताया कि भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप के नेतृत्व में 16 अक्टूबर को देश भर से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली कूच करके हल्ला बोल आंदोलन करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के 1200 से अधिक कार्यकर्ता भी सम्मिलित हैं। अवैध मकान और दुकानों पर बुलडोजरी कार्यवाही देखने को मिली, जहां बिलासपुर में 11 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर ये कार्यवाही देखने को मिली, जहां 94 लोगों को टुकड़ों में ये जमीन बेच दी गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए मकान और दुकानों पर नगर निगम ने बुलडोजर चलवा दिया, जहां ब्राह्मण समाज को आवंटित 2 एकड़ सहित भूमि कुल मिलाकर 11 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। मामला सरकंडा क्षेत्र के खमतराई का है, जहां रविवार को निगम की टीम दोपहर से लेकर देर शाम तक मकान और दुकानों को ढहाने का कार्यवाही करती रही। बताया जा रहा है कि 94 अन्य अतिक्रमणकारियों पर भी कब्जा हटाया जा रहा है। इसी के साथ ही सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर FIR भी कराई जाएगी। दरअसल साल 2019 में नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले खमतराई ग्राम पंचायत को नगर निगम की सीमा में शामिल किया गया था। ये पूरा मामला उसी समय को लेकर है, इससे पहले और बाद में धीरे धीरे यहां करके 11 एकड़ शासकीय भूमि पर 94 लोगों ने अतिक्रमण करके कब्जा कर लिया, जिसके बाद यहां मकान और दुकान बना लिया गया था। और अब खबर बिलासपुर से, जहां अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की जान चली गई। खाई में ट्रैक्टर गिरने की वजह से जान गई, जबकि ट्रक ड्राइवर ने अपना दम तोड़ दिया। घूमने निकले युवती की भी जान चली गई। दरअसल अलग अलग सड़क हादसे में कुल 6 लोगों की मौत हो गई बिलासपुर जिले में, जहां इस दौरान 15 फीट गहरी खाई में ट्रैक्टर के गिरने की वजह से किसान की मौत हो गई, तो वहीं 3 लोग घायल हो गए। तो वहीं ट्रक की टक्कर से बाइक सवार पिता और बेटी की जान चली गई। दशहरा पर्व के दौरान दोस्त के साथ घूमने निकली युवती की सड़क हादसे में जान चली गई। तो वहीं एक अन्य घटना में ट्रेलर की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। हादसा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों की बताई जा रही है। बाइक सवार पिता पुत्री की मौत का मामला जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा क्षेत्र के जो निवासी हैं, वो यहां पर अपने 5 साल की बेटी श्रद्धा के साथ बाइक पर पचपेड़ी क्षेत्र के जो है अपने ससुराल की ओर जा रहे थे, तब ये भीषण हादसा हुआ। इसके अलावा दूसरी घटना बिलगहना क्षेत्र की है, ग्राम मोहली की, जहां नरवा में रहने वाले गुनीत राम पटेल किसान थे। ईंट लेने के लिए खोंसरा गए हुए थे, जबकि ये ट्रैक्टर में ईंट लोड करा करके वापस लौट रहे थे, तभी ये ट्रैक्टर नीचे खाई में जा गिरी और इसकी वजह से इनकी जान चली गई। छत्तीसगढ़ में पीएचई विभाग में 261 पदों पर भर्ती को लेकर सब इंजीनियर के 128 जबकि केमिस्ट के 12 पदों पर परीक्षा की तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। दरअसल छत्तीसगढ़ में पीएचई विभाग में 261 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिली है, जिसको लेकर उपमुख्यमंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने भर्ती प्रक्रिया के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल को पत्र भेज दिया है। अब व्यापम इसकी परीक्षा की घोषणा जल्द ही करने जा रहा है, जहां विज्ञापन जारी किया जाएगा, जबकि पीएचई में अभियंताओं और साथ ही हैंडपंप तकनीशियनों समेत राज्य स्तरीय 181 और 80 पदों पर भर्ती होनी प्रस्तावित है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा राज्य स्तरीय पदों पर सब इंजीनियर सिविल के 118 पद, जबकि सब इंजीनियर विद्युत या यांत्रिकी के 10, अनुरेखक के 37 जबकि केमिस्ट के 12 पदों पर सहायक के 3 और वाहन चालकों के 2-2 पदों पर चयन के लिए व्यापम को पत्र लिखा जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में कोल घोटाले को लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू अब नार्को टेस्ट कराने जा रही है, जिसमें सूर्यकांत तिवारी समेत चार लोगों के टेस्ट के लिए स्पेशल कोर्ट में आवेदन लगाया गया है, जिस पर सुनवाई कल होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में हुए कोल घोटाला मामले में सूर्यकांत तिवारी समेत कुल चार आरोपियों का नार्को टेस्ट हो सकता है। इसके लिए एसीबी ईओडब्ल्यू ने स्पेशल कोर्ट में अपना आवेदन लगा दिया है। इस मामले में दूसरा पक्ष भी जवाब देगा और इसके लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। सूर्यकांत तिवारी, रजनीकांत तिवारी जो कि सूर्यकांत का भाई है, साथ ही निखिल चंद्राकर सूर्यकांत के साथ जो काम करता था, और साथ ही रोशन सिंह, ये चार लोग हैं जिनके नार्को टेस्ट की मांग को लेकर के लगातार जो है अब हाई कोर्ट में सुनवाई आने वाले 16 अक्टूबर को होने जा रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कोल स्कैम की बात करें तो सिंडिकेट बनाकर 570 करोड़ की लेवी वसूली का यहां पर दावा किया जाता है, जिसमें अवैध कोल लेवी वसूली मामला ईडी की रेड में सामने आने के बाद दावा है कि ऑनलाइन मिलने वाले परमिट को ऑफलाइन जानबूझकर किया गया था ताकि लेवी की वसूली करी जा सके। विधायक देवेंद्र यादव को रायपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां विदौरा बाजार हिंसा मामले में चालान पेश होने के बाद बोले कि न्याय जरूर मिलेगा। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार हिंसा मामले में रायपुर में जेल में बंद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को बीते दिन रायपुर की कोर्ट में पेश किया गया। साल 2013 में NSUI ने राजभवन का घेराव किया था, जिसमें पुलिस के साथ झूमाझटकी हुई थी और संबंधित केस में यादव के खिलाफ भी FIR दर्ज कर दी गई थी, और इस मामले में पूर्व में सुनवाई के बाद देवेंद्र यादव को जमानत मिल चुकी है। तो वहीं बीते दिन रेगुलर पेशी के दौरान कोर्ट पेश हुए, जहां इस मामले में अगली सुनवाई अब 18 अक्टूबर को होने जा रही है। सुनवाई के बाद यादव को रायपुर के सेंट्रल जेल ले जाकर पुलिस की टीम रवाना हो गई।